पार्टी एकदम बढ़िया। मैं हूँ आपका दोस्त राजा मांती एसके ग्रेविटी चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th के लिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसके पहले स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई आईसीएसई या कोई भी बोर्ड है, उन बोर्ड में क्लास 12th के एग्जाम में इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन रहता था या एक से ज्यादा क्वेश्चन रहते थे, मोस्टली क्वेश्चन आते जरूर है। ठीक है, तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, तो पहले यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन आज का जो टॉपिक है सिर्फ हम क्वेश्चन को फोकस करेंगे और सॉल्यूशन को फोकस करेंगे, और ये भी देखेंगे कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। क्योंकि दो यहां पे पॉइंट का ध्यान रखना है, एक तो हमारा कर्व कौन सा गिवेन है और लिमिट हमें कैसे पुट करनी रहती है, तो इन पॉइंट को जरूर डिस्कस करेंगे। उसके पहले टॉपिक में हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का शुरू करने के पहले शेप के बारे में जान लेना भी जरूरी है। एक बात यहां पे याद रखना कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का जो पॉइंट है, हम लोग जो इसको अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, वो इनडेफिनिट फिगर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते हैं। इनडेफिनिट फिगर है, डेफिनेट का भी करते हैं और इनडेफिनिट का भी करते हैं, मोस्टली हम लोग कैलकुलेट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इनडेफिनिट शेप या कोई बाउंड्री या कोई रीजन आ रहा है तो हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी स्लाइड में इस बात को याद रखना। लेकिन अब यहां पे टॉपिक है कि अगर हमें कैलकुलेट द एरिया बिटवीन द कर्व, तो कर्व के पहले हमें उस कर्व की पहचान होनी चाहिए कि वो कर्व वास्तव में बनता कैसा है। अगर हमने कर्व को ही नहीं कायदे से बना पाया है, कायदे से प्लॉट करना नहीं आता है और हमने रॉन्ग कर दिया पहले ही, तो हमारा जाहिर सी बात है फिर हमारी लिमिट भी गलत होगी, क्वेश्चन भी गलत हुआ, आधा हुआ क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला फोकस आपका रहेगा कि जब भी ये क्वेश्चन आया ना, तो पहले आप हमेशा कर्व को बिल्कुल सही डायग्राम, एक रफ डायग्राम आप बनाना, जैसे आपको हिंट मिल जाए कि हमारा कौन से पॉइंट को हम लिमिट कंसीडर करेंगे। क्योंकि अगर आपका ग्राफ गलत हुआ तो आप लिमिट गलत पुट करोगे, लिमिट गलत हुई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कुछ आपकी कर्व है, जैसे एक कर्व आता है आपका, मोस्टली जो सवाल पूछा जाता है सर्कल का रहता है, तो सर्कल का कर्व हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, सर्कल की मोस्टली जो इक्वेशन रहती है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब पासिंग थ्रू ओरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या यहां पे आर स्क्वायर हो सकता है, इस फॉर्म पे हो सकती है, या हमारी इक्वेशन यहां पर फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट की भी हो सकता है। तो मोस्टली ये इक्वेशन, ये दोनों एक ही तरीके की इक्वेशन रहेगी, फर्क ये रहेगा कि यहां पे कोफिशियन आपका वन दिया गया, यहां पे कोफिशियन आपका सेम है, तो आपको पहले देख के पहचाना रहेगा कि दी गई इक्वेशन हमारे सर्कल की है कि नहीं है। डेफिनेटली इसमें कोई गलती मत करना। अगर आपने बेटा ग्राफ को पहचानने में या इक्वेशन को पहचानने में मिस्टेक कर दिया, तो पहले स्टेप आपने गलत कर दिया है, उसके बाद आप क्वेश्चन कितना भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे नहीं हो पाएगा। तो पहले एक बार यहां याद रखना कि क्वेश्चन को करने के पहले आप सवाल में ग्राफ को पहले कंप्लीट एकदम सही तरीके से रफ डायग्राम बना लेना, ताकि लिमिट आपकी निकल जाए। तो ये हमारी एक ओरिजिन से पास होती है जिसका सेंटर बेटा इसका 0.0 होता है, यानी ओरिजिन, और रेडियस यहां पे जो लिखे रहते बेटा आपका ये नंबर, वो रेडियस हमारी निकल के आती है। तो यहां पे ए है बेटा, यहां पे स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 से पहले डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी दूसरी एक बनेगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल बेटा आपका 2, कंपेयर करेंगे एक वैल्यू स्क्वायर 2 आएगी। तो सेंटर हमेशा बेटा आपका कितना होता है, 0.0 होता है, और रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस जो हो जाएगी बेटा वो आपकी ए आती है। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे होता है, तो ग्राफ याद रखना कि ओरिजिन जिसका सेंटर होता है उसका जो सर्कल रहता है बेटा आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, ऐसे सर्कल हमारा बन के आएगा। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया जिसमें आपकी रेडियस बेटा आपकी ए रहेगी, ये बेटा आपका एप्सिसा, ये है आपका ऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, सेंटर यहां तक ए पॉइंट हमारा निकल के आएगा -a.0। कैसे, देखो ये हमारी रेडियस रहेगी बेटा आपका, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। थोड़ा जल्दी करेंगे लेकिन इतने भी जल्दी नहीं कि हमारा कॉन्सेप्ट ही ना समझ में आए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपका नहीं समझ में आए तो आप क्वेश्चन के में हमेशा गलत कर दोगे, 1.0 रहेगा। अगर आप y की लिमिट यहां पर कंसीडर करोगे 0.-1 रहेगा,
यहाँ पे कंसिडर करोगे बेटा तो आपका 0+ का ए वैल्यूज हम लोग कंसिडर करेंगे। तो आपको अगर ऐसी कोई सर्कल आ गई तो एक बात हमेशा याद रखना, सर्कल का ये हमारा डायग्राम बनाएगा बेटा जिसका सेंटर ओरिजिन रहेगा और रेडियस इसकी ए रहेगी। अब मान लीजिए सर्कल के अलावा जो दूसरा शेप आता है बेटा आपका मोस्टली अक्सर आता है क्वेश्चन में, पैराबोला आता है बेटा। कौन सा आता है? पैराबोला। क्या है गोला ये बताओ मुझे, पैराबोला। ठीक है, नाम भी कितने अजीब अजीब रहते हैं, पैराबोला आपका शेप है। तो क्वेश्चन में पैराबोला थोड़ा सा डिफिकल्ट, जितना आसान हमारा सर्कल है उतना ज्यादा आसान हमारा पैराबोला नहीं है, क्योंकि पैराबोला बेटा आपके चार तरह के होते हैं, चार टाइप्स के होते हैं। तो एक छोटी सी हिंट है पैराबोला के लिए कि कैसे प्लॉट करना रहेगा। आपको एक्सिस के बारे में मालूम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों आपको मालूम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको मालूम है बेटा, तो आप पैराबोला भी बना दोगे। देखो पैराबोला चार होते हैं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग मान लिया अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के है बेटा, एक इक्वेशन ये होती है, यहां पे y स्क्वायर है, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी रहती है बेटा ऐसे ही, लेकिन y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax। ये हम जनरल इक्वेशन एक प्लॉट करें बता रहे हैं बेटा, ये दूसरा पैराबोला है। थर्ड पैराबोला अगर हम यहां पे मान लो कंसीडर करके प्लॉट करें तो यहां पे रहेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 4ay, और फोर्थ रहेगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का माइनस का 4ay। ये हमारा पैराबोला है। अब यहां पे ना सवाल ये उठता है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये पैराबोला है। तो याद रखना बेटा जैसे सर्कल में ना यहां पे दोनों के स्क्वायर रहेगा वेरिएबल का, और कोफिशियंट वन होना चाहिए या कोफिशियंट सेम होना चाहिए तो सर्कल है, अदरवाइज वो सर्कल नहीं रहता है। ठीक है, वो आपका या तो इलिप्स के फॉर्म पे जाएगा या तो बेटा वो आपका हाइपरबोला के फॉर्म पे जाएगा या कोई और ज्योमेट्री आपकी बनेगी। तो ध्यान रखना यहाँ पे सवाल में कि सर्कल को पहचानना हो गया। पैराबोला के पहचानने में दो वेरिएबल यहाँ पे देखो एक्स और वाई है बेटा, तो पहचान कैसे लगानी है याद रखना, कोई एक वेरिएबल सेकेंड डिग्री में होगा और दूसरा वेरिएबल लीनियर पे होगा। क्या कह रहे हैं कि यहां पे जैसे देखो एक्स और वाई में एक्स बेटा आपका लीनियर तो वाई हमारा सेकेंड डिग्री, यहां पे देखो एक्स हमारा सेकेंड डिग्री है तो वाई आपका लीनियर है। हर जगह चारों इक्वेशन में इस तरीके की आपकी इक्वेशन आएगी क्या बेटा कि दो वेरिएबल में से एक सेकेंड डिग्री पे होगा और एक बेटा आपका लीनियर पे होगा। ठीक है, तो ये हमारा हाइपरबोला क्या है। अब अगला हमारा केस है कि ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो वो भी देखो, जिसकी पावर लीनियर रहेगी ग्राफ उसी की तरफ बनेगा। बात याद रखना, अपन ने क्या कहा जैसे यहां पे देखो बेटा ये हम अगर पैराबोला की बात करें तो इस पैराबोला में लीनियर हमारे किस पे है, एक्स की पावर वन पे है बेटा, तो ग्राफ आप इसी तरफ बनाओ। ये आपने बना दिया बेटा कार्टेशियन सिस्टम, आपने कार्टेशियन सिस्टम बनाने के बाद एक्स बेटा हमारा ये होता है, ये बेटा हमारा वाई है, तो अब आप किस तरह बनाओगे बेटा, आपने इधर बना दिया, यही हम करते जिधर आपका एक्स लीनियर आएगा उधर की तरफ आप बना दो, पॉजिटिव है बेटा तो इधर। अब देखो यहां पे एक्स के अबाउट तो है लीनियर, लेकिन आ गया माइनस साइन, ध्यान देना बेटा आपका, अटेंशन प्लीज, ध्यान देना इस बात को, माइनस आ गया तो एक्स के अबाउट में है ना बेटा, फिर से कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप बेटा फिर से यहां पे माइनस की तरफ आप बना दो, ये बड़ा हो गया आपका माइनस की तरफ का ग्राफ। ठीक है, ये पैराबोला आपका हो गया। तो आपको एक रफ डायग्राम बनाने की जरूरत है, कोई एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम ही बनाइए। ठीक है, हाँ जरूरत वहां पड़ती है जब आप बड़े एग्जाम को देने के लिए जाएंगे, जैसे मेंस है और एडवांस के पेपर है, वहां पे जब तो आपको जरूरत पड़ती है एग्जैक्ट डायग्राम की, क्योंकि आपके नंबर ऑफ ऑप्शन होते हैं वो आपके कई सारे एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। तो अभी तो हमें बोर्ड का एग्जाम देना है, हमें जो फोकस करना है हमें एक रफ डायग्राम चाहिए। अब अगला ग्राफ यहाँ पे देखो, वाई के अबाउट वाई की पावर लीनियर में है बेटा, और कैसा है यहाँ पे प्लस में है, तो आप बेटा ये कार्टेशियन सिस्टम आपने बनाया, ठीक है, y की पावर यहां पे है बेटा, तो आप इसकी तरफ बना दो, पॉजिटिव में इधर की तरफ बन जाएगा और निगेटिव में बेटा आपका यही ग्राफ रहेगा, ये बेटा आपका x और y, लेकिन नीचे की तरफ बन जाएगा बेटा आपका ऐसे करके। ठीक है, इसके पहले का साइन आप ध्यान देना। तो चार पैराबोला है, चार में पैराबोला की पहचान क्या रहेगी, एक आपका सेकेंड डिग्री का रहेगा और एक आपका लीनियर का। तो हमने पता लगा लिया कि हमारा पैराबोला है,
पहला मकसद हमेशा होना चाहिए बेटा कि आप ग्राफ को पहचान जाए, देखते ही इक्वेशन जैसे ही निकाल पड़े आपने इक्वेशन को पहचान किया कि ये हमारा पैराबोला है, ये हमारा सर्कल है। क्योंकि अगर आपकी क्वेश्चन में आपके दिमाग में ये हीट नहीं किया ना, तो आप क्वेश्चन को फिर कर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आप लिमिट नहीं निकाल पाओगे, पॉइंट नहीं निकलेगी, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो पहला टास्क हमेशा रखना कि आप ग्राफ पहचान बेटा, सर्कल की पहचान, दोनों के वेरिएबल के, दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट वन होंगे या तो सेम होंगे, जैसे यहाँ पे वन है पहले बेटा, दूसरा वाला बेटा सेम है। और अगर आपका पैराबोला बनना है तो पैराबोला की केस में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पैराबोला है, कौन सा पैराबोला का मतलब जिसकी पावर लीनियर होगी, ग्राफ उधर बना देना, बस हो गया बेटा आपको काम। तो कैसे बनता है ये हमारा लेना देना भी नहीं, ठीक है। तो अगर और उसके अलावा माइनस है तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, प्लस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस बात का ख्याल रखना। अगली जो हमारी ज्योमेट्री है, जो क्वेश्चन आपका आता है बेटा आपका इलिप्स के केस का आ जाता है, इलिप्स का, तो ये भी बेटा ज्योमेट्री देख लो फटाक से कि इलिप्स की ज्योमेट्री हमारी कैसी बनती है, ठीक है। इलिप्स की ज्योमेट्री बेटा, क्योंकि इसके बगैर हमारा काम भी नहीं हो पाता इलिप्स का। और इलिप्स के शेप में बेटा दो इक्वेशन हमारी है, ए की वैल्यू बड़ी है या बी की वैल्यू बड़ी है। तो मान लीजिए हमें नहीं पता क्या बड़ा है क्या छोटा है, हम एक जनरल टर्म बता रहे हैं बेटा, बार बार कह रहे हैं जनरल टर्म लेके चले, आपके क्लास ट्वेल्थ में इतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बेटा कि आपके लिए डायग्राम एग्जैक्ट सही होना, बिल्कुल एग्जैक्ट सही होना कंपल्सरी है, ऐसा नहीं है। आपका डायग्राम रफली हो, लिमिट आपकी गलत ना हो, अगर आपने रफ डायग्राम बनाया लिमिट आपकी तब भी सही आएगी, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे वो अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं यहाँ पे। तो हमारा इलिप्स का जो इक्वेशन होती है बेटा, इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन के, इस तरीके से हमारी एक जनरल इक्वेशन होती है इलिप्स की। और इलिप्स के केस में ध्यान रखना बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे वन होना चाहिए ऑलवेज एंड ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखना पड़ा इस बात का, यहाँ पे वन होना चाहिए, नहीं होता है तो बनाया जाता है। देखो आपको ना एग्जाम में जो क्वेश्चन को भटकाया जाएगा ना, तो भटकाने के लिए इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी 9x² और 4y² इज इक्वल टू 36। तो आप जब क्वेश्चन के ऊपर निकाह पड़ेगी ना, तो आपका दिमाग कहेगा पहले सर्कल के ऊपर रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस हमारी सर्कल की रहती है, पूरा क्वेश्चन ही एकदम गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना बेटा सर्कल में एक्स और वाई स्क्वायर की कोफिशियंट कितने होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए बेटा। अगर एक्स और वाई स्क्वायर कह रहा हूं बेटा, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की कुछ और होती है, वहां पे वेरिएबल आपकी कुछ और कोफिशियंट कुछ और हो सकते हैं, हमें लेके चलने कि अगर सेंटर ओरिजिन है तो मोस्टली वही 100% वाई क्वेश्चन है ना, आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं आती है। तो यहां पे देखो एक्स और वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या सेम है, नहीं है ना, नहीं है तो ये सर्कल नहीं होगा, है प्लस ही लेकिन सर्कल नहीं होगा। फिर ये अगर कोफिशिएंट एक होते या तो 9 होता या तो 4 होता तो हमारा सर्कल रहता, लेकिन यहां पे तो है नहीं, तो इक्वेशन में हमारे बेटा ये सर्कल नहीं है, ये हमारा है इलिप्स का। तो इलिप्स के केस में यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1, तो 1 के केस के लिए बेटा आप 36 से डिवाइड करोगे और यहां भी 36 से डिवाइड करोगे बेटा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 के। अब ये इक्वेशन हमारी सर्कल के जैसे, सॉरी इलिप्स के जैसे बन गई बेटा। तो इलिप्स का शेप में हमें जो ध्यान रखना जो चीजें, यहां पे बेटा जो वर्टेक्स आता है, ये वर्टेक्स कितना होता है, ये कोऑर्डिनेट बेटा स्टैंडर्ड है, याद रखो। यहां पे देखो माइनस में है बेटा -1, 0 और ये पॉइंट हो गया आपका प्लस का 1, 0 प्लस का 1, 0 बेटा, बस इतना ध्यान रखना ये वर्टेक्स। कभी कदार होता है बेटा अगर उसने फोकस कह दिया है तो फोकस का कोऑर्डिनेट होता है प्लस, यहाँ पे आएगा बेटा आपका माइनस का AE, 0 और दूसरा फोकस आएगा प्लस का AE, 0। ये बेटा आपका फोकस है, मोस्टली वैसे आपका वर्टेक्स की बात करता है। तो पहला पर्पस आपका, पहला उद्देश्य, पहला जो मकसद रहेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आए बेटा कि आप ग्राफ सही से प्लॉट करना, तो ग्राफ में या तो सर्कल है या तो पैराबोला है या उसके अलावा बेटा आपका एलिप्स है, हाँ हाइपरबोला बेटा आपका कह सकता है यहाँ पे। तो हाइपरबोला के लिए यहीं पे सिर्फ आपका माइनस हो जाएगा बेटा, यहाँ पे प्लस लिखा हो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जस्ट लाइक मान लिया अगर एग्जाम में आ गया बेटा आपका हाइपरबोला का, दो केस होते हैं, ठीक है। अगर आपका हम बना रहे हैं बेटा
एंगल के फॉर्म पे बना रहे तो हाइपरबोला का डायग्राम अलग रहेगा, अदरवाइज बड़ा एक दूसरा डायग्राम हमारा और भी होता है। हम यहां पर हाइपरबोला के लिए बेटा जो हमारी ज्योमेट्री रहेगी वो ज्योमेट्री बेटा हम ऐसे बना दिए, हमारी ज्योमेट्री होती है बेटा हाइपरबोला के लिए, ठीक है। इक्वेशन कैसे रहेगी बेटा, इक्वेशन हमारी होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन के बेटा, ये हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। और इसके अलावा अगला पार्ट आता है हमारा लाइन का, तो हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में ग्राफ का पहला पार्ट रहेगा, पहला भी फोकस करना है ग्राफ का, कौन सा ग्राफ है, सर्कल है क्या, तो दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, और या हाइपरबोला है क्या, पैराबोला है क्या, तो पैराबोला के केस में एक्स किसी एक का कोफिशिएंट सेकेंड डिग्री रहेगा तो दूसरे का कोफिशिएंट लीनियर रहेगा, जिसका लीनियर रहेगा उसके अबाउट हमें ग्राफ को बना देना। तीसरा पार्ट आता है आपका इलिप्स का, तो इलिप्स में एक्स और वाई का कोफिशिएंट अलग अलग रहेंगे, ठीक है। सर्कल और इलिप्स में, सर्कल और इलिप्स में यही फर्क है कि इलिप्स में कोफिशिएंट आपके अनइक्वल होते हैं, लेकिन सर्कल के केस में कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला पार्ट यहाँ पे हाइपरबोला का आ जाता है, लेकिन उससे ज्यादा अगला पार्ट बेटा जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, जो आपका मिक्स किया जाता है हर एक सवाल में, लाइंस का बेटा पार्ट आपका ऐड कर दिया जाता है, लाइन, लाइन का पार्ट अगर ऐड कर दिया गया है तो देखो लाइंस का पार्ट आपका बनाना बेटा बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कोई बात नहीं, नाइन क्लास नाइन से पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक रिकॉल करा देते हैं कि क्वेश्चन आपको प्लॉट कराना चाहिए। पहला एक रटा हुआ डायग्राम है बेटा कि अगर y इक्वल टू x है या y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू 5x है, y इक्वल टू माइनस 5x है, y इक्वल टू माइनस 10x है, y इक्वल टू x by 2 है, y इक्वल टू माइनस 5 by 2 है, x है, ऐसे है। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन हमारा y इक्वल mx से मिलता जुलता हुआ, अब यहां पे जो m दिया गया है ये स्लोप कहलाता है या ग्रेडियंट कहलाता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमेशा याद रखना कि ये ग्राफ हमारा हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज ओरिजिन से पास होगा बेटा, बगैर सोचे समझे आपको ओरिजिन से पास करा देना, ये बेटा हमारा ग्राफ निकल के आएगा, ठीक है। ये बात याद रखना बेटा कि हमेशा आपका ओरिजिन से पास होगा अगर आपने क्वेश्चन को इस तरीके से दिया कि वाई बराबर है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि ग्राफ आपका ये ना देखे बेटा ऐसे दे दिया गया y is equal to 3x minus 2, तो आप बच्चों के तरीके पहले बेटा कोऑर्डिनेट निकालोगे, कोऑर्डिनेट निकालने के बाद तब हम सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट निकाला जाएगा बेटा पहले, अगर यहां पे इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू दे दी गई है तो हम कोऑर्डिनेट निकाल के तब प्लॉट करेंगे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो सकता है उसके बाद, तो यहां पे ध्यान रखना रहेगा ये वाली ग्राफ है। हम क्वेश्चन अभी करेंगे तो हम बताएंगे कि यहाँ पे प्लॉटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ कि हमारा जब भी क्वेश्चन आया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का या कैलकुलेटर एरिया का, तो हम सबसे पहले जो फोकस करेंगे क्या रहेगा हमारा फोकस, पहला फोकस हमारा रहेगा कि हम एरिया की वैल्यू, सॉरी पहला फोकस हमारा रहेगा कि हम बिल्कुल शेप को करेक्ट डायग्राम बनाए, ठीक है, रफ डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनाया बेटा आपका, ताकि हमारा क्वेश्चन में लिमिट की वैल्यू निकालने में गलत ना हो जाए, क्योंकि ये गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया बेटा, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसके पहले हमने जो पढ़ा हुआ है कि हमें अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का पार्ट करना है तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के पार्ट में पहले हमें फोकस करना है कि ग्राफ हमारा सही बने, अगर हमने ग्राफ को सही तरीके से नहीं बनाया है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हमारा गलत हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन को हम गलत कर देंगे। तो सबसे बड़ा पार्ट हमारा ग्राफ सही होना चाहिए, ठीक है। ग्राफ एक रे डायग्राम रफ डायग्राम है लेकिन बट फिर भी हमारा सही होना चाहिए, ताकि हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जब हम आखिर में कैलकुलेट करें तो हमारा गलत ना हो। अगला यहाँ पे पार्ट है कि जो आपका एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा बेटा ना कि फाइंड द एरिया, तो एरिया बेटा या तो आपका सिर्फ सिंगल कर्व होगा, सिर्फ सिंगल कर्व, ये बेटा आपका सिंगल कर्व होगा बेटा, या तो उसका निकालने के लिए कहेगा या कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व होगा बेटा उसका निकालने के लिए कहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व होगा बेटा उसका निकालने के लिए कहेगा। तो आप दोनों चीजों को थोड़ा से टाइम में देख लो बेटा, अगर सिंगल कर्व हुआ ना तो वह तो या तो सर्कल दिया रहेगा, जैसे सर्कल का है बेटा आपका, तो सर्कल को आप ऐसे फटाक से बनाना, ये बेटा हमारा हो गया, मतलब वो आपसे बेटा ये सिंगल कर्व,
या इसके अलावा उसने कह दिया कि आप इलिप्स का बताओ, तो इलिप्स का बड़ा आपने फटाक से तुरंत बना दी, ये बड़ा हमारा इलिप्स का है, ठीक है। या इसके अलावा उसने लाइंस, ये बड़ा आपका कोई लाइंस के बीच कह दिया, दो लाइन दोनों लाइन के बीच कर्व कह दिया आपका। तो अब देखो अगर सिंगल कर्व का बताना है बेटा, तो ये हमने वर्टेक्स की वैल्यू कितनी बताई है, ये वर्टेक्स बड़ा आपका माइनस ए से लेके जीरो तक, और ये बड़ा वर्टेक्स प्लस ए से लेके जीरो तक। तो इसका मतलब ये पूरा एरिया आपको निकालना है, ये पूरा। तो अगर आप ध्यान दो तो इसको चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि नहीं, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला टास्क कि आप लिमिट कहां से सेलेक्ट करोगे, लिमिट सबसे बड़ी दिक्कत ना बेटा, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो लिमिट की ही आती है, सबसे बड़ी कहां से अब रखेंगे कैसे हम, यह नहीं समझ में आता हम लिमिट की वैल्यू कहां से रखेंगे। तो देखो घबराओ नहीं बेटा, हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमें लिमिट की वैल्यू यहां से रखनी है, इस पॉइंट से लाके रखना है बेटा, यहां पे जो पॉइंट दिख रहा है यहां से यहां तक, तो इसका मतलब ये हो गया हम ऐसे लिखेंगे बेटा जीरो, कहां से बेटा आपका एक्स की लिमिट यहां से लेके यहां तक, यानी बेटा आपका माइनस ए से लेके ए तक। अगर किसकी लिमिट रखी है हमने, एक्स की लिमिट रखी है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन रहेगा, और यहां पे फंक्शन किसका रहेगा, वाई का। अब फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दिया गया है, देन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बड़ा आपका टास्क रहेगा, ये वैल्यू जुटा के यहां पर रखनी है, ठीक है हमेशा। लेकिन कोई कह रहा है यहां से भी आप कर सकते हो, यहां से भी इस क्वेश्चन को बराबर बेटा आप कहां से, यहां से, यहां पे कितना होता है जीरो कॉमा जीरो होता है, तो जीरो एक्स की लिमिट जीरो, वाई की लिमिट बेटा आपकी सॉरी एक्स की अपर लिमिट ए, अब यहां पे वाई का फंक्शन डी एक्स। लेकिन इन दोनों में आप जानते हो क्या फर्क होगा, अगर हमने यहां पे लिमिट रख दी है बेटा, यहां से अगर हमने लिमिट रख दिया है तो चार हिस्सों में हो गया, मल्टीप्लाई बाई फोर हो जाएगा, यहां पे लिमिट रखी है मल्टीप्लाई बाई टू रहेगा, बात समझे कि नहीं। अब मान लो यहां पे आपका कह रहा है बेटा आपका, तो लिमिट आप यहां से जाओ, यहां से यहां तक रखो, तो आपने रख दिया आपका यहां पे वर्टेक्स कितना आता है माइनस ए कॉमा जीरो, यहां पे कितना आता है प्लस ए कॉमा जीरो, तो आप माइनस ए से लेके ए सर ए तक बड़ा बड़ा यहां पे डीएक्स के रिस्पेक्ट में ए की लिमिट रखे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में बड़ा आपका इंटीग्रेशन आएगा, वाई का आपका फंक्शन आएगा, मल्टीप्लाई बाई टू हो जाएगा, क्योंकि बड़ा आपका ये इतना एरिया आप कैलकुलेट करो। दूसरा एक तरीका और भी है, क्या बड़ा आपका अगर आप चाहो तो आप यहां से भी रख सकते हो, यहां से कितना आ जाएगा जीरो कॉमा कहां तक बड़ा आपका यहां तक, यानी आ जाएगा ए डी एक्स वाई का फंक्शन मल्टीप्लाई बाई फोर, क्योंकि एक दो तीन चार ये बड़ा हमारा रहेगा। इस तरीके से हमें लिमिट की वैल्यू सिलेक्ट करनी है। लेकिन जो पार्ट आता है बेटा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में, कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व का आया बेटा, तो पहला टास्क आपका एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं कहना है बेटा। मान लीजिए ऐसे इक्वेशन दी गई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स के, एंड आपका दिया गया बेटा आपका एक्स स्क्वायर बराबर टू वाई के, तो आप क्या करो ना इन दोनों से वैल्यूज निकालो, क्या निकालो x की वैल्यू यहां से कितना आई टू वाई स्क्वायर रूट में, आप x की वैल्यू यहां पे डाके रख दो, देन y स्क्वायर बराबर कितने की हो जाएगा फोर ए मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट टू वाई के, यानी y के पावर फोर इज इक्वल टू जाएगा आपका सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बराबर आपका वाई के, गारंटी यहां से ये करेंगे बेटा आपका वाई क्यूब की वैल्यू आ गई, यहां से वाई की वैल्यू आई, वाई की वैल्यू यहां पे रखोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो कभी भी अगर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का आया बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व का आया, तो पहला टास्क आप जानते हो क्या हमेशा यही कि आप पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए बता दिए फटाक से आपका कि आप दोनों इक्वेशन से एक दूसरे की वैल्यू रखिए सॉल्व करते तुरंत आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर आपका कर्व और कर्व का दिया गया जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर के, एंड लाइन दी गई है y is equal to 2x plus 1, ये बड़ा आपका दिया गया, तो आप क्या करो आप y की वैल्यू यहां पे रख दो, ये x square plus 2x plus 1 is equal to 4 के, अब ये आपकी सेकंड डिग्री की इक्वेशन बन रही है बड़ा आपके, सेकंड डिग्री इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालो आ जाएगा, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, POI निकल आया बड़ा आपका। POI निकलने के बाद आपको कौन सा पार्ट ग्राफ का आ रहा है ये आपका अभी हम आगे बताएंगे, फिर हम लिमिट उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे और सब तय कर देंगे। दो ग्राफ आ रहे हैं बेटा आपके, देखो ऐसे बना बेटा आपका, ये हमारा सर्कल और बेटा मान लिया इस तरीके से हमारी लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है। तो जो दोनों के बीच में बेटा आपका ग्राफ बन के आएगा हमारा, ये ग्राफ बन के आएगा, कंडीशन कह रहे बेटा आपका। तो लिमिट हम यहां से लेके यहां तक की एक्स की लिमिट रखेंगे, यहां तक, यहां से लेके यहां तक एक्स की लिमिट और वाई का फंक्शन, ऊपर कौन है बेटा ध्यान रखना। अब यहां पे लिमिट के सिलेक्शन के बाद हम जब एरिया निकालेंगे
तो एरिया बराबर यहां पे X1 की लिमिट, X2 की लिमिट, यहां पे Y ऑफ L माइनस अगले बड़ा नीचे क्या है Y ऑफ C dx, ये बड़ा पूरा हमारा पार्ट रहेगा, ऊपर वाले में से नीचे वाला हमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमारा बड़ा टाइम इतना है नहीं, लेकिन अगले जो पार्ट हमारा रहेगा बेटा उसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करा देंगे दो तीन, उसके बाद की जो दूसरी वीडियोस रहेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, तो देखो कैसे किया जाए। ओके ठीक है बेटा, तो हमारा यहां तक टॉपिक हमारा क्लियर हुआ कि अगर हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कैलकुलेट द एरिया या फाइंड ऑफ एरिया का क्वेश्चन आता है, तो पहले आप अपना पर्पस हमेशा याद रखना कि हमेशा पहला पर्पस हो कि आपका डायग्राम सही बने। अगर आपने डायग्राम की प्लॉटिंग में गलती कर दी है तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है, क्योंकि अगली जो दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है, कि ग्राफ तो उनको याद रहता है, सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है लिमिट कैसे सिलेक्ट किया जाता है या किसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना रहेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है आपका इंटीग्रेशन का। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, क्या कह रहे हैं कि जैसे कह दिया गया बेटा ना कि आपको एरिया निकालना है, तो एरिया बेटा या तो एक शेप का निकालना होगा या तो कुछ सिलेक्टेड पार्ट का निकालना होगा। मैं कह रहा हूं जैसे सिलेक्टेड पार्ट मतलब दो कर्व दिया रहेगा, और कंप्लीट एरिया मतलब एक कर्व आपका दे सकता है, क्वेश्चन में दो भी हो सकते हैं सिलेक्टेड पार्ट के लिए या बेटा आपका पूरा कंप्लीट एरिया निकालने के लिए। तो पहला टास्क जो हमारा रहेगा कि हम लिमिट की वैल्यू को निकालें। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से इस बात को समझते हैं कि अगर मान लो हमसे कह दिया गया बेटा आपका कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल, इस तरीके से दिया गया बेटा आपका कैलकुलेट, सवाल में कह रहा है बेटा आपका कि कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, एक सर्कल दी गई है, उस सर्कल की हेल्प से हमें एरिया निकालना है, और सर्कल दिया गया बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आपका 4, ये एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है आपको एरिया निकालने के लिए, तो आपने पहले देखा क्वेश्चन में क्या दिया गया, सर्कल है, बहुत आसान है। अब आपको एक हेडिंग नहीं है कि आपको ग्राफ पहचानना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखो इस सर्कल की जो हमारा जनरल ग्राफ है बेटा वो आपका सेंटर इसका ओरिजिन होता है, तो हमने ग्राफ को ऐसे करके बेटा लाके बना दिया, ऐसे जनरल इक्वेशन हमने एक जनरल ग्राफ हमने ऐसे करके बना दिया, ठीक है। अब आपका अगला पार्ट क्या रहेगा, यहां पे एरिया निकालना, तो मैं जो अब बोल रहा हूं ना कि एक ग्राफ है तो इस एरिया का मतलब ये हो गया, ये जो पूरा हमारा पार्ट बना हुआ है बेटा ये पूरा एरिया हमें निकालना है, पूरा कंप्लीट एक एरिया, ये पूरा एरिया निकालना है बेटा, आप देखो ध्यान से ये पूरा एरिया हमको निकालना है, ठीक है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार क्लास 9 का जो फॉर्मूला होता है, क्लास 8 का फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ द सर्कल बराबर पाई आर स्क्वायर आपने कर दिया, लेकिन नहीं 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 आपके एक तरीके से ये प्रूविंग भी है कि एरिया ऑफ सर्कल हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो ये भी सवाल आपका आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, तो डायरेक्टली निकालना रहेगा। जो सबसे बड़ा पॉइंट मैं जो बताना चाह रहा हूं उस पॉइंट को आप पकड़ो, मैं कह रहा हूं बेटा कि हमें ना लिमिट निकालनी रहेगी, पहला टास्क लिमिट निकालनी रहेगी कि हम कहां से लेके कहां तक एरिया निकाल रहे हैं, ये हमारे लिए ज्यादा ज्यादा बड़ा आपको फोकस करने की जरूरत है। तो हमने आपको बताया था बेटा कि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट और ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके यहां कितना हो जाएगा, यहां पे ये होता है -a,0 और ये बेटा आपकी जनरल होता है +a,0, ये बेटा हमारा होता है, ठीक है। अब यहां पे a क्या होता है बेटा, a होता है आपका रेडियस, a बेटा आपका है यहां पे रेडियस, a बेटा यहां पे रेडियस होता है, तो इक्वेशन जो गिवेन है इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेटा आप देखोगे इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आपका 4 के, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से, तो यहां से कंपेयर किया है बेटा आपका ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आई 4 के, यहां से ए की वैल्यू जो निकल के आएगी बेटा प्लस माइनस 2 की, ये निकल के आएगा, ये हमारी ए की वैल्यू आई यानी रेडियस बेटा आपकी निकल आई। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट हमारा निकल के आएगा बेटा वो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा माइनस 2, 0 और बेटा आपका निकल के आएगा कितना 2, 0, ये हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आया दोनों एंड पॉइंट के। ठीक है, अब हमें देखो एरिया निकालना है, तो सबसे पहला टास्क कि आप लिमिट इंटीग्रेशन कैसे यूज करोगे या एरिया कैसे निकालोगे, देखो कैसे लिखा कैसे जाता है बेटा। ठीक है, हमें बेटा ज्यादा डिटेल पे या बेसिक पे नहीं जाना, हमारा टास्क अभी एग्जाम का है कि हमें नंबर क्वेश्चन को कैसे कम टाइम में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एरिया बराबर आप यहां पे ना ये इंटीग्रेशन का साइन बनाओ बेटा, इंटीग्रेशन का आपने साइन बना दिया, हर क्वेश्चन में यही फॉर्मेट जो दो तीन लाइन बनाएंगे बेटा यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। आपने एरिया और इंटीग्रेशन का साइन बनाया, इंटीग्रेशन में ध्यान रखना यहां पे बेटा ना हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, ध्यान देना यहां पे। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहां पे जो लिमिट रखी जाएगी बेटा वो आपकी x की ही रहेगी और यहां पे जो लिमिट रखेंगे वो भी x का होगा लेकिन यहां पे फंक्शन y का रहेगा। यही गलती हमेशा बच्चे करते हैं बेटा। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसी की रखी जाएगी और फंक्शन दूसरे वेरिएबल का रहेगा यहां पे, ये बात याद रखना। अब सवाल में देखो कैसे, ये बेटा हमारा स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, अब यहां पे लोअर लिमिट हमारी कितनी है, तो लोअर का मतलब बेटा मिनिमम, कम से कम, मिनिमम कम से कम, तो कम से कम पार्ट यहां पे कितना है बेटा आपका, यहां पे कितना है माइनस का 2 है, कम से कम मिनिमम ये है बेटा और मैक्सिमम हमारे कितना है 2, यानी यहां पे जो हम लोग लिमिट रखेंगे बेटा माइनस 2 से लेके प्लस के 2 तक हम लोग लिमिट रखेंगे। अब अगला पार्ट हमारा है कि y की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो आप सर्कल की इक्वेशन देखो बेटा, सर्कल की ये इक्वेशन है, तो आप सर्कल की इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकाल दो, ये बेटा आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया, फ्रॉम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, यानी अब यहां पे हो जाएगा बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर के, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये बेटा हमारा निकल के आएगा। यहां पे हम लोग सॉल्व कर देंगे, देन एरिया का फॉर्मूला हम लोग फॉर्म सॉल्व करेंगे बेटा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहां से माइनस 2 से लेके प्लस 2 तक, वाई का फंक्शन कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बड़ा हमारा निकल गया और यहां पे dx। ठीक है, ये बड़ा हमारा बन गया पूरा फॉर्मूला, ये हमारा टास्क होता है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है, क्योंकि हम क्वेश्चन से करा रहे हैं ना बेटा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें बेसिक कई सारी चीजें छोड़े आप, जैसे कि हमारा एरिया कितना डिवाइड होता है, कौन सा एरिया कनेक्ट किया जाएगा, कौन से एरिया को हम नहीं कनेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग एरिया में लिमिट की वैल्यू रखती है, कैसे, कि कई सारे बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, तो उस सारे टॉपिक को हम छोड़ के चले। हाँ, लेकिन इतना नहीं छोड़ेंगे कि हमारा क्वेश्चन ही ना हो पाए। अब जैसे यहां पे पार्ट में हमने एरिया निकाला है, अब किसी ने अगर ये एरिया यहां से कैलकुलेट कर रहा है तो क्वेश्चन उसका गलत हो जाएगा, जानते हैं क्यों, देखो ये माइनस 2 से प्लस 2 का मतलब क्या होता है बेटा, कि आप जो एरिया निकाल रहे हो वो इस पार्ट का निकाल रहे हो बेटा, ध्यान देना जहां पे मैं हैशिंग लाइन जितने पार्ट पे अब दोबारा जो बनी हुई है वो हमने इतने पार्ट के एरिया निकालना है, ध्यान देना देखो कहां बन रहा होगा, ये ऊपर का पार्ट का एरिया हमने निकालना है बस, इसका मतलब ये हो गया। तो ये बताओ बेटा सर्कल का जितना एरिया ऊपर का निकला वो तो नीचे का तो बच गया, और हमें ग्राफ का मतलब पूरा एरिया निकालना है, तो पूरे एरिया का मतलब जितना ऊपर का एरिया है उतना ही बड़ा आपका नीचे का भी एरिया होगा, जो ऊपर का है वही नीचे का होगा बेटा। तो आप क्या करोगे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, यहां पे आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अब आपका क्वेश्चन सही है।
अब आप तो गए बेटा आपकी सही, अब आप यहां से सॉल्व कर सकते, बात समझे कि नहीं। और भी तरीका, कोई कह रहा हम लिमिट यहां से लेके यहां तक रखी तभी कोई दिक्कत है, तो आपको फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। आपको ना जो क्वेश्चन सॉल्व जिन्होंने किया होगा उनको मालूम है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लिमिट चाहो तो जीरो से लेकर दो तक भी रखे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे आपको फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। लिमिट ध्यान रखनी है बस कि लिमिट आपको कैसे निकालनी है, अभी और क्वेश्चन नहीं है बेटा। अब आपका ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है कि अगर दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये बड़ा हमारा फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है, एक्स बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, अब आप फॉर्मूला यहाँ पे डाके अप्लाई करो बेटा, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा दिया गया, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देन एरिया हमारा कितना आ जाएगा, देन एरिया आएगा बेटा टू मल्टीप्लाई बाई, देखो x, x का मतलब x ही रहेगा बेटा आपका x बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू, ये बेटा हमारा फॉर्मूला है। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे 4, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू हम लोग कितना लिख देंगे 4, यहाँ पे a स्क्वायर a की वैल्यू कितना लिखेंगे बेटा हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे लगाएंगे क्योंकि हमारा ये डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट आपकी कितनी दी गई है माइनस टू से लेके प्लस के टू तक दिया गया बेटा आपके क्वेश्चन में, माइनस टू से लेके प्लस के टू तक, ठीक है। अब यहां पे देखो जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, यहां पे क्वेश्चन को, तो एरिया इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाई, पहले बेटा एक्स की जगह अपर लिमिट रखी जाएगी फिर हम लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे बेटा। तो अपर लिमिट की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 2 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई यहां पर कितना आ जाएगा 4, एक्स की वैल्यू कितना रखोगे 2 यहां पर भी आ जाएगा 4 प्लस का, ये बड़ा आपके कैंसिल हो जाएगी कितना आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 बाई 2, ये बड़ा आपका निकल के आया, ठीक। जब हम लोअर लिमिट यहां पे रखते हैं तो आपको मालूम होगा बेटा कि यहां पे पहले हम माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है, ये सब इंटीग्रेशन का रूल है। हाँ, अब ये सारे जो इंटीग्रेशन का रूल है, ये फॉर्मूला है या इंटीग्रेशन की माइनस का रूल है, ये कैसे लिखा जाता है बेटा, ये आपका पूरा अलग ही चैप्टर है, अगर यहां पे ये समझाने बैठ जाएंगे तो पूरा टाइम ही आपका चला जाए, ठीक है। तो खैर देखो क्वेश्चन में बड़ा आप अगर आपने किया होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का पार्ट आया है तो आपको ये सारे पार्ट आने जरूरी है, हाँ इंटीग्रेशन तो पूरा ही आना जरूरी है, इंटीग्रेशन तभी हमारा पार्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा बगैर इंटीग्रेशन। बगैर इंटीग्रेशन के अगर हम ये सोचें कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम कर लें तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंटीग्रेशन का पूरा रूल जो यहां पर इंटीग्रेशन हमने किया हुआ, यहां पर कोई भी फंक्शन आपका आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहां, तो आपको इंटीग्रेशन का पार्ट आना चाहिए। अगला पार्ट यहाँ पे हम लोग माइनस टू रखेंगे बेटा, तो माइनस टू में यहाँ पे देखो ये भी वैल्यू हो जाएगी माइनस टू बाई टू मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे कितना आएगा बेटा आपका 4 माइनस 4, ठीक, यहाँ पे कितना आएगा बेटा आपका दिया गया है ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा माइनस, यहाँ पे कितना लिखा हुआ प्लस का 4 बाई 2 रहेगा बेटा आपका, और साइन इनवर्स माइनस 2 बाई 2 के बेटा आपका, ये हमारा पूरा निकल के आएगा, तो ये वैल्यूज तो हमारी जीरो हो जाएगी बेटा, 4 माइनस 4 जीरो क्या हो गया, यहां पे अभी आपका लिखा हुआ है 2, हमने 2 लिख दिया बेटा आपका, ध्यान देना ये वैल्यूज पूरी जीरो हो जाएगी, ठीक है, कैसे थोड़ा ध्यान दे बेटा, 4 माइनस 4 बराबर जीरो के हो जाएगी, यहां पे जीरो लिख दिया प्लस का बेटा आपका 2 लिखा, ये दोनों वैल्यूज करिए बेटा आपके कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई बेटा आपके कितना है साइन इनवर्स 1 आ गया, ठीक। फिर आपके यहां पे कितना है बेटा ये दोनों कट जाएगा, ये वैल्यूज आपकी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी, यानी माइनस का यहां पे आ गया जीरो, फिर प्लस का यहां पे लिखा हुआ है 2, ये से ये कट गया आपके कितना आ गया यहां पे साइन इनवर्स माइनस 1, ये बेटा हमने लिमिट लगने के बाद सॉल्व कर दिया, और इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, जब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो यहां पे आएगा 2 और ब्रैकेट के अंदर यहां पे आ गया 2 साइन इनवर्स 1 माइनस का बेटा आपका यहां पे 2 साइन इनवर्स माइनस का 1। अब आप लोग यहां पे क्वेश्चन को सोच रहे होगे बेटा कि ये एक प्लस में है ये एक माइनस में है, लॉ इन दोनों को हम कैंसिल कर दें, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा,
यहां पे क्वेश्चन इसलिए गलत होगा बेटा ना, ये साइन थीटा है, साइन इनवर्स थीटा, और ये साइन इनवर्स माइनस थीटा है, तो यहां पे एक फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है बेटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है क्या चीज कि अगर साइन माइनस थीटा के है या साइन इनवर्स माइनस थीटा के है देन ये वैल्यू माइनस का साइन थीटा के बराबर होता है, यानी यहां पे बेटा आपका बदलाव किया जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, देन एरिया आपका कितना आएगा निकल के, एरिया इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स, टू साइन इनवर्स, वन किसकी वैल्यू होती है साइन की, कौन सी वैल्यू होती है बेटा आपके, साइन पाई बाय टू की वैल्यू होती है, ठीक। माइनस माइनस बेटा आपका देखो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहां पे भी माइनस यहां से भी आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन वन का मतलब पाई बाय टू आएगा बेटा, ये हमारा आंसर, ठीक। देखो ये वैल्यू बेटा आपका कंपेयर होगी हट जाएगा बेटा आपका, ये वैल्यू भी आपकी कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा यहां पे, टू मल्टीप्लाई बाय टू पाई बाय टू प्लस का बेटा आपके यहां पे कितना आएगा, टू मल्टीप्लाई बाय पाई बाय टू, ये बेटा आपके निकल, ये इससे कटा ये इससे कटा, पाई और पाई कितना बचेगा, टू पाई, और यहां ऑलरेडी टू है बेटा, तो एरिया आपके कितना निकल के आएगा, एरिया आप देखो बेटा आपका निकल आया, एरिया इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय टू पाई, यानी कितना आया बेटा आपका, फोर पाई, ये बड़ा आपका स्क्वायर यूनिट आएगा, इतना बड़ा हमारा निकल के आया, फोर पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब यहां से देखो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब बड़ा आपका यहाँ पे फोर, आर स्क्वायर के लिए यहाँ पे फोर दी, तो फोर पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा बड़ा आपका, आ रहा है आंसर हमारा भी ऐसे ही। तो ये हमारा एक छोटा सा डायरेक्टली अगर बेटा डायग्राम के बेसिस पे आ गया, वन शेप का एक शेप आपका दिया गया, तो आपको इस तरीके से एरिया निकालना है, पहले फोकस रहेगा आपका ये लिमिट रखने में ही, ये लिमिट की वैल्यू, तो कुछ क्वेश्चन और लेके कराते हैं बेटा कि इसके लिमिट की वैल्यू हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये हमारा एक डायरेक्टली डायग्राम बेस पे था जिसमें हमें डायरेक्टली सिर्फ लिमिट और एरिया से लेकर के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे एलिप्स के ऊपर ताकि और हमारा क्लियर रहे। क्वेश्चन में क्या दिया गया अगर आपसे बेटा कि फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स फॉर्म्ड बाय द इक्वेशन, ऐसा आपको फाइंड एरिया बाय द एलिप्स, एरिया बाय द एलिप्स, ये बड़ा आपके क्वेश्चन में ऐसे कुछ क्वेश्चन में लिखा हो बड़ा आपको, और आपको एलिप्स का एरिया निकाल के यहाँ पे बताना। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चन लिखी हुई यहाँ पे, फोर एक्स स्क्वायर प्लस का बड़ा आपका थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा आपका 18 की, ये सवाल में आपको लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे 18 बना कुछ और बड़ी में यहाँ लिखा हुआ कि नंबर हमारा कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा बड़ा आपका 12 के लिखा हुआ, ये क्वेश्चन ऐसे लिखी हुई है। अब सवाल में ना पहले जैसे हमने टास्क कहा कि बेटा हमेशा आप बात याद रखना कि सवाल को जब करना ना तो पहले आप पहचानो सवाल को करना कैसे है, कि ये क्वेश्चन आपको 5 से 6 नंबर से 7 नंबर 8 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को सीरियस लेके करना, तो पहला टास्क जैसे हमने आपको बताया कि आप बेटा पहचानो कि कौन सा ग्राफ इस क्वेश्चन में बन रहा है, अगर आपने ग्राफ को पहचान लिया तो क्वेश्चन कर पाना तुम्हारे लिए आसान है, ठीक है। तो पहला टास्क क्या रखोगे आप, ग्राफ पहचानो। तो ग्राफ में आप देख रहे होगे कि ये इक्वेशन तो हमारे एलिप्स के तो कह रहा है लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन के तरीके से है नहीं, कैसे होते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में आरएचएस के टर्म पे यहां पे बेटा आपका वन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यहां पे बेटा कृपया ध्यान देना, कृपया ध्यान दे यहां पे, कृपया ध्यान दे कितना होना चाहिए, यहां पे वन होना चाहिए। तो वन को लाने के लिए आप क्या करोगे बेटा, आपका 12 से आप यहां भी डिवाइड कर दो, 12 से आप यहां भी डिवाइड कर दो, और 12 से आप फटाक से यहां पे भी डिवाइड कर दो, ये नंबर इससे कट जाएगा, कितना जाएगा, जीरो नहीं वन आएगा भैया, ध्यान रखना कितना आएगा, वन आएगा बेटा, जीरो मत लिख देना। फिर ये नंबर इससे कट बेटा आपकी कितना आएगी, फोर थ्री सा 12 यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस का बेटा आपका ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, y स्क्वायर अपॉन 4, ये बेटा हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आई। अब आपसे कह रहा है बेटा ना सवाल में, फिर से आप देखो क्वेश्चन में ना, ये जो हमारा इलिप्स बना है, कोई इलिप्स का मतलब बेटा जो एरिया आपको निकालना है वो इलिप्स का एरिया पाई ए बी आता है, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली चाहो तो आप यूज कर सकते हो, एरिया ऑफ एन एलिप्स इज इक्वल टू पाई ए बी, ये बेटा आपका ए और बी उसके मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ होती है क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर बेटा जो आपका दिया गया है ये हमारा वर्टिकल एक्सिस के अबाउट या ऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट हमारा जो एलिप्स बनेगा, बट हम कह रहे हैं आप एक जनरल इक्वेशन बना लिया करो, उससे कोई हेडेक नहीं होती है,
इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर हम जनरल इक्वेशन यहाँ पे बनाएं, ठीक है, कोई कह रहा नहीं सर हम जनरल नहीं, आप गलत बना देंगे, तो चलो ठीक है भैया आप ऊपर वाला बना देते, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू बड़ी है, ए की वैल्यू छोटी है, तो हमारा जो इलिप्स बनेगा बेटा वो इस तरीके से बनेगा, इलिप्स ऐसे बनेगा बेटा, तो ये हमारा इलिप्स का फॉर्म है। अब यहाँ पे एक ही शेप है बेटा, एक शेप का मतलब आपको ये पूरा एरिया निकालना है, आपको क्या निकालना है बेटा, ये पूरा एरिया निकालना, ये पूरा एरिया निकालना है, ठीक है। इस पूरे एरिया का मतलब क्या हो गया, ये भी आपका वर्टेक्स है, ये आपका वर्टेक्स हो गया बेटा, तो वर्टेक्स पढ़ेंगे जैसे हमने इलिप्स में बताया थी, कितना होता है बेटा वर्टेक्स का, ये आ जाएगा 1.0 पॉजिटिव में, और निगेटिव में कितना आ जाएगा माइनस का 1.0, फटाक से आपको ये चीज याद होनी चाहिए बेटा आपका, ये बेटा आपका वर्टेक्स हो गया, ये बेटा आपका वर्टेक्स हो गया, ठीक। तो यहां पर बेटा हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लाके अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर करेंगे बेटा आपके इस इक्वेशन को किससे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बेटा आपने कंपेयर किया, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, यानी बेटा आपका यहां से आ जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट 3 0, और दूसरी जो बी ये वैल्यू है बेटा आपकी, ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी प्लस का स्क्वायर रूट 3 0 की। अब आप कंपेयर करोगे ए की वैल्यू ए स्क्वायर 3, भाई यहां से ए स्क्वायर बेटा आपका 3 के आया, देन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 के आएगी कि नहीं आएगी बेटा, आपने तुरंत कर दिया। बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 4, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू प्लस माइनस 2, यानी यहां का अगर आप लिखना चाहो बेटा तो 0, -2, और यहां का लिखना चाहोगे तो 0, +2, दोनों निकला है बेटा आपसे, कोई दिक्कत नहीं, आपने ग्राफ बना दिया। अब देखो बेटा अगर हमें एरिया, अब हमें लिमिट लिखनी है, क्या लिखनी है, लिमिट लिखनी है, तो एरिया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे हमने क्या कहा dx, यानी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पे फंक्शन किसका होना चाहिए, ये फंक्शन भी हमारा x का, यहां पे जो लिमिट हमारी वो भी x की ही होनी चाहिए, x की लिमिट, लेकिन फंक्शन यहां पे किसका आएगा, फंक्शन बड़ा आपका आएगा y का, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना बड़ा फटाफट 1/1 सारी चीजें हो जानी चाहिए, कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x की लिमिट रहेगी रहेगी और y का फंक्शन आएगा बड़ा आपका क्वेश्चन में। अब यहां पे लिमिट कैसे, तो देखो ये पूरा एरिया निकालना है ना, तो चाहो तो आप लिमिट यहां से इस पॉइंट तक रखो, ठीक है, या तो बेटा आप यहां पे ये जो तीसरा एक पॉइंट ओरिजिन है, ये ओरिजिन इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है बेटा, इक्वल ही डिस्टेंस पर, तो अब देखो हम कैसे लिख देंगे, जो अभी हम पहले कह रहे थे बेटा कि अगर हमें लिमिट सेलेक्ट करनी है ओरिजिन से, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपका 0, 0, अब हम यहां पे कह रहे हैं एक्स की लिमिट, एक्स की लिमिट बेटा कितनी हो गई पहले यहां पे 0, तो लोअर लिमिट हमारी हो गई 0, अपर लिमिट कितनी आएगी बेटा यहां तक आना है, यहां तक, तो यहां तक कितना आ जाएगा प्लस का स्क्वायर रूट 3 आ रहे हैं, तो अगर हम इसका मतलब जानते हैं कौन सा एरिया निकल के आया, इसका मतलब बेटा हमें ये एरिया हम निकाल रहे हैं, इस एरिया को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेटा, ये आपका जो दिख रहा है ये एरिया हमने निकालने जा रहे हैं, तो ऐसे कितने एरिया, 1, 2, 3, 4, 4 एरिया हो गए बेटा, यहां मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 4 से, ये हम कह रहे थे बेटा आपके इसके पहले में। तो अगर आपने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया बेटा कि किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करें, एरिया कितने निकालने, सवाल तुरंत आपका गलत हुआ, इसलिए इसके पहले हमने समझाया है कि एरिया को पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बेटा, ये हमने एरिया यहाँ पे सेलेक्ट करके तुरंत बता दिया कैसे सिलेक्ट किया गया। अब आप वाई का फंक्शन निकालो बेटा, तो बड़ा आसान है, यहाँ पे आप वाई की वैल्यू निकाल दो, ये इक्वेशन दी गई थी ना, वो वाई की वैल्यू को अगर आप निकालोगे बेटा, ठीक है, इक्वेशन कितनी है 4x² प्लस का 3y² इज इक्वल टू 12 के है बेटा, y की वैल्यू यहां पे चाहिए, तो x के टर्म को आप उधर लेके जाओगे, इधर प्लस उधर क्या आ जाएगा माइनस में, तो 3y² इज इक्वल टू 12 माइनस 4x² ये आ गया बड़ा आपका। अगला यहां पे कितना होना चाहिए आपका, यहां पे कोफिशियंट 1 होना चाहिए, देन y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू ध्यान रखना बड़ा आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा 12 माइनस 4x² बाई 3 के, ये इक्वेशन हमारे निकल के आएगी बड़ा आपका वाई के।
अब आप वाई की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, देन एरिया हमारा निकल के आएगा बेटा, उसके बाद इंटीग्रेट करना रहेगा, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस करके बता दे रहे हैं बेटा, एरिया इज इक्वल टू, क्योंकि फॉर्मूला यहां भी आप लोग को याद नहीं रहता ना, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये रहती है, जीरो से लेके स्क्वायर रूट थ्री तक, ठीक है। अब यहां पे वाई की वैल्यू कितनी आई, वाई की वैल्यू आई स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x की। अब यहां पे क्वेश्चन में जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं बेटा, ये फॉर्मूला आपका पहले वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है थोड़ा सा, लेकिन दिक्कत ये है कि यहां पे ना एक्स स्क्वायर की जगह पे 4 भी है, साथ में 4 बाई 3 भी है। तो अब आप लगाओ दिमाग, कौन सा दिमाग लगाओगे बेटा, देखो कैसे निकाला जाएगा। हमने लिख दिया एरिया इज इक्वल टू रूट थ्री, यहां पे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं, बड़ा आपका कॉन्स्टेंट है, हमने बाहर निकाल दिया। और हमने यहां पे लिमिट को लगाया जीरो से स्क्वायर रूट थ्री लगा दिया बेटा। अब हमने यहां पे कितना लगाया, स्क्वायर रूट लिखा 12 माइनस 4x स्क्वायर को हमने लिखा बेटा और dx लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लो बेटा, देखो करना कैसे रहता, अगर आपने समझ में आ गया ना तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा आसान है। एक बात हमेशा बच्चे हमेशा उसको डिफिकल्ट बना के रखते हैं कि इंटीग्रेशन का टॉपिक बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन जो बच्चे आते हैं जिनको इंटीग्रेशन ना, मैं चैलेंज के साथ उनको कहता हूं, उनसे एक बार दिल पर हाथ रख के बताओ बेटा आप अपना, कि इंटीग्रेशन जिनको आता होगा पूरी किताब में ना सबसे आसान इंटीग्रेशन ही है, ये बिल्कुल फैक्ट चीज है। जिन्होंने हुनर हासिल कर लिया है उनके लिए इंटीग्रेशन ही सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि रटने वाला है नहीं, ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा 25 से 30 फॉर्मूले हैं, उसमें से 15 या 18 फॉर्मूले तो आपके छोटे छोटे हैं, बाकी 6-7 फॉर्मूले जो थोड़ा सा बड़े हैं, जिसमें a² - x² के फॉर्मूले आते हैं, वही फॉर्मूले हमारे बड़े हैं, उसके अलावा बड़े फॉर्मूले है ही नहीं। तो इंटीग्रेशन का टॉपिक हमारे लिए काफी ज्यादा आसान पड़ जाता है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन में हमें क्वेश्चन आता करना तो, अदरवाइज नहीं। तो इंटीग्रेशन यहां पे जैसे कह रहे हैं ना, इसके पहले यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ में 1 था, अब यहां पे 4 है, तो आप 1 बना लो, आसान हो गया। कैसे 1 बनाओगे, अरे भैया देखो आप क्या करोगे ना, आप यहां पे 4 से मल्टीप्लाई और यहां भी 4 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, बस काम हो गया। अब आप देखो फॉर्मूला आपका बन के तैयार बेटा, हो गया। तो क्यों किया है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। तो आपको भी याद रहेगा बेटा कि अगर 1 नहीं है तो अब आप 1 बना लेना, फॉर्मूला आपका एक ही है, घबराने का नहीं बेटा, घबराने का नहीं, एकदम बिंदास रहने का, ठीक है। तो देखो बेटा आपका 4 आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना, अब आप देखो कितना जाएगा, ये 1/√3 हमने 3 किया, ये जो 4 है बेटा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट 4 हमने बाहर निकाल दिया, इस तरीके से इंटीग्रेशन 0 से इंटीग्रेशन ऑफ 3 कर दिया बेटा, माइनस का अब ये इस स्क्वायर रूट को हमने बाहर निकाला, इसको नहीं, तो याद रखना क्यों नहीं किया, अभी देखो बेटा ये नंबर हमारा ऐसे हो जाएगा 12/4 माइनस का 4x² / 4 और इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखो ये से ये कट गया, इससे ये कट गया बेटा आपका, आगे फॉर्मूला हमारा बन गया कि नहीं, कितना बन गया फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला हमारा बना, अब देखो यहां पे 2 आ जाएगा, 2/√3 मल्टीप्लाई बाई लिमिट्स 0 से स्क्वायर रूट 3, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पे भी सांसें अटक रही होंगी, अरे यार क्वेश्चन में तो यहां पे कितना होना चाहिए था, यहां पे अगर हमारा 4 होता तो हमारा बन जाता ए स्क्वायर बन जाता, यहां पे 16 हो जाता बन जाता, अरे नहीं है बेटा ना, तो आप मैथमेटिक क्लास 12th में है, तुरंत बना लिया करो भाई, मैथमेटिक्स क्या मतलब इसमें, क्या मुझसे क्या दिक्कत, कुछ नहीं बेटा, कुछ का मतलब कुछ नहीं बेटा, घबराओ नहीं, कितना स्क्वायर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया बराबर कि नहीं, हो गया हमारा काम। हाँ हमारे देखो बेटा ए स्क्वायर इसके बराबर होगी, ए दोनों वैल्यूज बराबर होगी कि नहीं होगी,
यानी ए की जगह पे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, बस सिंपल हमारा बन गया। बात समझे, एक दिमाग यहां पे ध्यान रखो और एक हमें यहां पे ध्यान रखना, ठीक है। कैसे बनाया जाता है बेटा, तुम्हारा बन गया बेटा। अब आप फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो लिखना सीखो बेटा, रटे मत रहो। क्या होता है, एक्स बाई टू प्लस का ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहां पे कितना स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बड़ा हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। स्टेप वाइज तोड़ के याद रखो बड़ा, तुरंत आपका हो जाएगा। स्टेप वाइज याद रखो बस, कितना आएगा फिर ये, इसका मतलब आ गया टू अपॉन स्क्वायर रूट 3, ठीक। इंटीग्रेशन हटाया बड़ा आपका, ए एक्स बाई टू, कितना है एक्स बाई टू, एक्स का मतलब एक्स बाई टू, इंटीग्रेशन यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी बड़ा आपका ए स्क्वायर का मतलब बड़ा आपका स्क्वायर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 3 यानी स्क्वायर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब बड़ा आपका एक्स, ए का मतलब बड़ा आपका स्क्वायर रूट 3। और यहां पे लिमिट कितनी रखेंगे बड़ा हम लोग, 0 से स्क्वायर रूट 3, ये हम लोग लिमिट रखते हैं। अब क्वेश्चन में यहां पे सिंप्लीफाई करो बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहां पे स्क्वायर रूट 3 है, एक्स के यहां आप स्क्वायर रूट 3 रखो, कितना आ जाएगा ये 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 बाय 2। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, जब आप एक्स की जगह पे अपर लिमिट रखोगे तो स्क्वायर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर ये बड़ा आपका प्लस में माइनस में पूरा जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पूरा जीरो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म पे बड़ा आपका यहां पे कितना आएगा, ये वैल्यू हमारी आएगी, ये रहेगी बड़ा आपका प्लस का स्क्वायर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर, ये वैल्यूज कितनी होगी, ये वैल्यूज आ जाएगी बड़ा आपका 3 बाई 2 के मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितना स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3, ये बड़ा। इसके बाद हम रखेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में देखो बेटा आपका यहां पे पहले लगाता है माइनस माइनस एक्स, एक्स का मतलब जीरो मल्टीप्लाई बाई पूरी कायनात बराबर जीरो के ही आएगा। फिर बेटा हमारा माइनस के बाद अगला टर्म कितना माइनस जीरो यहां पे हो गया बेटा आपका प्लस, प्लस का मतलब यहां पे कितना स्क्वायर रूट 3 बाई 2 का यहां पे स्क्वायर साइन इनवर्स जीरो के आ जाएगा बेटा आपका साइन इनवर्स। तो ये पूरा टर्म बेटा हमारा गया, ये पूरा टर्म हमारा गया, बचा बेटा हमारा ये टर्म, तो ये वैल्यू इससे कट गई वन आ गया। अब यहां पे देखो ये वैल्यूज यहां पे कितना बचा है 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय बेटा 0 ठीक प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2 साइन इनवर्स 1 के। साइन की कौन सी वैल्यू 1 होती है बेटा, पाई बाय 2 की वैल्यू। तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, कितना बचा बेटा आपका 2 से 2 कटा, यानी आ गया 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 के मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 के, ये हमारा निकल के आया कि नहीं आया बेटा आपके, ये हमारा निकल के आया। अब चाहो तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो, यहां पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 के, यानी आ गया बेटा हमारा जो आंसर आया है वो आया बेटा आपका पाई स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 के, ये हमारा कुछ ऐसा आंसर आया, ये हमारा निकल के आया पाई स्क्वायर रूट 2 पाई स्क्वायर रूट 3 बाय 2। कहीं पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई, कहीं पे हमने 4 नहीं लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे ये हमने 4 का टर्म यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई बाय यहीं पे भी यहाँ पे भी आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे भी आएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे भी आएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे भी आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे भी और टर्म हमारा निकल के आएगा आपका 4 दिया गया ना, 4 हमारा साथ में रहेगा, यहां भी मल्टीप्लाई आएगा बड़ा आपका मल्टीप्लाई बाय 4 और यहां भी आएगा मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहां पर बड़ा आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, यानी आ जाएगा आपका ये 2 से 2 कट गया। अब हमारा आ रहा है एरिया, अगर आप ध्यान से देखो तो एरिया इज इक्वल टू पाई 2 एंड स्क्वायर रूट 3, ये बड़ा हमारा आ रहा है, यानी एरिया ऑफ एन एलिप्स जो हमने कहा था शुरुआत में पाई एबी के बराबर होता है, ये हमारा एरिया निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अगर डायरेक्ट फिगर दिया गया है तो क्वेश्चन में इस तरीके से हमें एरिया निकालना है,
लेकिन डायरेक्ट फिगर ना देखे, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर दिया जाता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैराबोला का एरिया निकालना दो पैराबोला के बीच में। तो दो पैराबोला के बीच में जब हमें एरिया निकाला जाता है तो सबसे पहले हमारा फोकस रहता है इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अगर हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला फिर हमारा कंबाइंड एरिया कौन सा आएगा या सिलेक्टेड एरिया कौन सा है, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या बोला बेटा कि अगर दो पैराबोला आ रहे हैं तो पहला टास्क आपका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। देख कैसे निकालना रहेगा, पहले इसको मिटा दे रहे हैं हम का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने। फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है, एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 4ax के, एक क्वेश्चन में कह रहा है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड दूसरा एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है आप फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, कह रहा है पहले एरिया आपको निकालना है, तो आप पहले देख के बताओ बेटा यहां पे सेकेंड डिग्री है यहां पे लीनियर है, तो ये हमारा पैराबोला सेकेंड डिग्री और लीनियर, ये भी हमारा पैराबोला एक्स की पावर एक है तो एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा, वाई के पावर एक है वाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा, प्लस इधर है एक ऊपर बना होगा एक एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में बना होगा, ये सारी चीजें आपको मालूम है बेटा। तो आप पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, पहला टास्क बेटा आप इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी आईपी आप निकालो बेटा। आईपी निकालने के लिए कुछ नहीं, देखो आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बहुत आसान तरीका है 4x दिया गया है और यहां से एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के है बेटा। अब आप यहां से x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 4ay, ये आप इस इक्वेशन में लाके रख दो। ध्यान रखना यहां पे चाहे आप y स्क्वायर की y की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रख दीजिए या आप y की वैल्यू सेकेंड से निकाल के फर्स्ट में रख दो, आपका मेन पर्पज है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना यानी x और y की वैल्यू निकालना। अब आप चाहे जैसे करके निकालो बेटा, ये आपका टास्क है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया बेटा आपका अगला पार्ट, यहां पे x की वैल्यू रखोगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में लेके रखेंगे बेटा, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे रखने के बाद हमारा कितना हो जाएगा ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4ay, y की वैल्यू निकालनी है बेटा आपका स्क्वायर कर दो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग किया, देन यहां पे वाई के पावर 4 हो जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा आपका 16a स्क्वायर माइनस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4ay के, एक वाई से एक वाई कट जाएगा आपका वाई के पावर 3 आया और वाई के पावर 3 इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा आपका 16a क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4, यानी इनडायरेक्टली यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 4a आया बेटा आपका y की वैल्यू आ गई। तो हमारा यहां से बेटा इस इक्वेशन को मान लिया अगर हमने सेकेंड, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से बेटा हमारा कितना निकल के आएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से बेटा x इक्वल टू कितने के हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4ay मल्टीप्लाई बाई 4a, यानी x की वैल्यू भी कितनी आ गई 4a आ गई बेटा, ये हमारा पहला टास्क रहेगा। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा निकल के आया बेटा वो 4a, ये हमारा निकल के आया बेटा, जो कि हमारा सबसे बड़ा टास्क होता है निकालना। ठीक है, अब यहां सवाल में जो दिया गया बेटा क्वेश्चन में, जो हमारा पार्ट में दिया गया क्वेश्चन, ठीक है ये वाला पार्ट देगा आप इसका ग्राफ बनाओ और इसका ग्राफ बनाओ, देखो कैसा बनेगा। तो इन दोनों के बीच का चेहरा बनाने के लिए तो हमने क्या किया, पहले हमने ऑर्डिनेट बनाया बेटा, ऑर्डिनेट बनाने के बाद ये हमने ऐसे कर दिया। अब कह रहा है अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के, एक्स की पावर लीनियर है पॉजिटिव में, तो लीनियर और पॉजिटिव का मतलब इधर हो जाएगा बेटा। अगला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के, y की पावर लीनियर है पॉजिटिव में, तो y की पावर लीनियर पॉजिटिव में मतलब इधर हो जाएगा बेटा आपका।
अब आप देखो अगर ध्यान से तो कौन सा एरिया आ रहा है, ये वो एरिया है जो दोनों के बीच में आया बेटा आपका, आया कि नहीं आया, ठीक है ये हमारा आ गया। तो ये वाला कौन सा ग्राफ है, ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये कौन सा ग्राफ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये बड़ा वाला हो गया। अब हमारा अगला टास्क है यहां पे पहला एरिया, देखो ध्यान दे कृपया ध्यान दे, आपने लगाया लिमिट, ठीक यहां पे लिखा आपने इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो फंक्शन आपका किसका रहेगा y का, लिमिट यहां पे किसकी x के इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x की लिमिट, देखो कहां से कहां तक निकालना है, ये वो पॉइंट है यहां से लेकर, यहां से लेकर ये पॉइंट से लेकर, तो ये पॉइंट आपका 0.0 इस पॉइंट तक, तो ये वो पॉइंट कितना निकल के आया था 4a, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x की लिमिट कितनी 0, यहां पे x की लिमिट कितनी है 4a हो गया बेटा आपका पहला टास्क निकला है। अब आपको यहां पे लिख रहा है बहुत ज्यादा आसान, देखो कैसे भाई आपने इंटीग्रेशन किया, कितना लिखा बेटा 0 से 4a, कुछ नहीं बेटा आपका इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि यहां पे आप कैसे निकालेंगे, यहां पे आपने ds थोड़ा दूर करके लिख, कैसे ऊपर कौन सा ग्राफ है, देखो ऊपर बेटा आपका ये ग्राफ है, ऊपर वाला ग्राफ ये है बेटा आपका, ठीक ऊपर वाले ग्राफ से आप y की वैल्यू यहां से निकालो, y बराबर कितनी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 4ax के, आप यहां पे लग दो स्क्वायर रूट ऑफ 4ax के, माइनस नीचे वाला कौन सा ग्राफ है बेटा आपका, नीचे वाला कौन सा ग्राफ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यही कहना है बेटा आपका, अगर कंबाइंड एरिया है ना ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, y की वैल्यू निकाल दो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, हो गया काम हमारा, ऐसे अगर कंबाइंड एरिया है तो बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर दो, हो गया हमारा एरिया, ठीक है। तो देखो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4a, यानी यहां से आ जाएगा आपका x स्क्वायर बाय 4a। अब आपका पार्ट आसान, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी और ये इंटीग्रेशन आपका इसके साथ भी, हो गया आपका काम आसान बेटा, कितना आया 0 से 4a इंटीग्रेशन ऑफ 4ax dx माइनस का 0 से 4a इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 4a dx। अब आप इंटीग्रेट कर लो आपका 4a आपका कोफिशियंट है, यहां पे 1/4a आपका कोफिशियंट है, बाहर निकाल दो फटाक से आप अलजेब्रा का रूल लगा दो आपका, कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ 4a इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4a x की पावर 1/2 dx माइनस का 1/4a इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4a x स्क्वायर dx, ये बड़ा आपका। तो अब आप यहां भी अलजेब्रा का रूल लगाओ, यहां भी अलजेब्रा का रूल लगाओ, देख लो बेटा कैसे किया जाएगा फटाक से, 2 मिनट का ये भी पार्ट बचा हुआ है, अलजेब्रा के पार्ट के अकॉर्डिंग एरिया बराबर कितनी क्या जाएगा बेटा आपका, यहां पे आएगा स्क्वायर रूट 4a, ठीक है मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 + 1 की पावर कितना लिखेंगे 0 से 4a माइनस में, यहां बेटा आपका 1/4a रहेगा, तो हमने 1/4a किया, वैल्यूज यहां पे कितना रखेंगे ध्यान रखना बेटा, ये हो जाएगा x की पावर 2 + 1/2 + 1 लिमिट कितनी रखी जाएगी 0 से 4a डेफिनेट बेटा आपका, तो यहां पे हम c नहीं लगाएंगे, a बराबर कितने के आएगा यहां पे हो जाएगा बेटा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4a, ये भी हमने रखा, ये वैल्यूज हो जाएगा आपका 4a टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 के, ठीक है 0 रखेंगे पूरा तो 0 हो जाएगा माइनस का, यहां पे हो जाएगा बड़ा टर्म आपका 4a टू द पावर 3/3 के और पूरा टर्म बिल्कुल उसके बाद बड़ा 0 हो जाएगा, आया आपके निकल के इसको, और आप चाहो तो अच्छा यहां पे 1/4a भी है, ये अलग है बड़ा आपका, ये अलग है, यहां पे 1/4a भी है बड़ा आपकी गलत है 1/4a भी है, ठीक है। अब आप देखो बेटा आपका एक पार्ट आपका और बचो, थोड़ा सा और पेशेंस रख लो, हो गया हमारा काम, ठीक है। अब या तो चाहो बेटा आप इसको
एज इट इज, जो आपने पुराना तरीका किया हुआ है इंटीग्रेशन का, अगर आपका आता है सॉल्व करने वाला, तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारा वो पूरा पार्ट है इंटीग्रेशन का जो हमें करना रहता है कि अगर दो कर्व के बीच का आया बेटा आपका एरिया निकालने के लिए, तो दो कर्व के बीच में आपको इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू फोकस करनी है। ठीक है, अब देखो पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा हुआ